आपके रिश्तेदार थे, आपके दोस्त थे, आपके पड़ोसी थे, तो रो क्यों रहे हैं भाई इतना? जी कहिए, मैं ही ड्यूरी जी का बेटा हूँ। जी वो आपके पिताजी की अमानत आपको सौंपनी है। अमानत? वो क्या है कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी हमारी आर्ट गैलरी में आए थे और ये 20,000 की पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई थी। 1,000 रुपए एडवांस दे चुके हैं, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर लेने को कहा था। पेंटिंग? अजीब बात है, पिताजी का तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मरने का शौक था? नहीं, फिर भी मर गए ना। लेकिन देखो, कभी कभी आदमी है ना, शौक से ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे कोई शौक ही नहीं होता। हाउ शॉकिंग इज दैट? शॉकिंग। छोड़िए ना भाई साहब, फटाफट पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट, पता नहीं कहाँ भटक रही है। पापा की पेंटिंग, हमारे पैसे, थैंक यू। ये लो 19, ये हाथ में पकड़िए। वो 1,000 गुड लक का दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। इतनी मेहनत से पेंटिंग लाया, खोल के देखो तो सही। ए रुको, देखो यार, अभी डिस्काउंट मत मांगना यार। ये क्या है? पेंटिंग है। और क्या? ओ, किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? ओ, घास तो घोड़ा घोड़ा खा गया ना। घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है, चला गया वो, घोड़ा चला गया। हम चलते हैं। चलते हैं। नमस्ते नमस्ते जी, थैंक यू। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापस आ जाएगा।